Hello friends, welcome back to my YouTube channel Electrotech CC. Friends, क्या आप जानते हो कि छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेके सुपर स्पीड कंप्यूटर तक सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस PCB की मदद से काम करते हैं। तो क्या आप जानते हो कि PCB क्या है, किस तरह से PCB वर्क करती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि एक ऐसी कॉपर की प्लेट जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लगाया जाता है और जिसकी मदद से आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी फंक्शन बना सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में PCB के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैंने ये PCB डिजाइन का एक कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PCB डिजाइन के इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि PCB क्या होती है, PCB डिजाइन करने के लिए स्कीमेटिक क्या होता है, PCB लेआउट की मदद से किस तरह से आप PCB डिजाइन कर सकते हो, PCB राउटिंग किस तरह से की जाती है, PCB को मैन्युफैक्चरिंग में भेजने के लिए आपको किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से PCB का फैब्रिकेशन होता है, और कोर्स कंप्लीट होते होते मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के PCB खुद के डिजाइन कर सकते हो और उसे किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो। इस वीडियो में हम PCB का बेसिक फंडामेंटल देखेंगे कि किस तरह से PCB वर्क करती है और इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और उनमें से कौन से सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकते हैं और उसकी मदद से आप इंडस्ट्रियल लेवल की PCB डिजाइन कर सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज PCB। PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसमें सभी कंपोनेंट्स को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने के लिए कॉपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा PCB में कंपोनेंट को एक प्रॉपर फॉर्मेशन में सेट करने के लिए और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स मोस्टली ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए होते हैं, जिसमें आपको कंपोनेंट लगाने होते हैं और वायर का मैनुअल कनेक्शन करना होता है। बहुत ही सिंपल टाइप का प्रोजेक्ट अगर आपका है जिसमें बहुत ही कम कंपोनेंट यूज होते हैं तो इसको आप यहाँ पे ब्रेडबोर्ड की मदद से डिजाइन कर सकते हो। लेकिन जब कंपोनेंट की संख्या ज्यादा होती है तब आपको यहाँ पे वायरिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है और एक भी कनेक्शन अगर यहाँ पे लूज रहता है तो उसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट वर्क नहीं करता है। तो इसी वजह से ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसकी जगह पे अगर आप इस तरह के रेडीमेड आर्डुइनो के शील्ड यूज करते हो तो इसमें आपको यहाँ पे रेडीमेड बोर्ड मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट अच्छे से बहुत ही कम कनेक्शन की मदद से यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब आपको कस्टम प्रोजेक्ट डिजाइन करना है जिसमें आपको आर्डुइनो के शील्ड नहीं मिल रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या करना होता है, PCB डिजाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि PCB प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो इन सभी अलग अलग PCB प्रिंटिंग कंपनी में आप अपना PCB ऑर्डर करके मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें आप अपना PCB डिजाइन कर सको। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप अपना खुद का PCB डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम जो इस कोर्स में यूज करने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है kicad PCB डिजाइन सॉफ्टवेयर। kicad एक ओपन सोर्स PCB डिजाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाता है। kicad सॉफ्टवेयर में आपको अपना खुद का स्कीमेटिक डिजाइन करना हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर आपको अपनी PCB डिजाइन करनी है तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है। जब आप अपना PCB डिजाइन कर लेते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3D व्यूअर मिलता है जिसमें आप अपना PCB देख सकते हो कि आपका PCB जब कंप्लीट होगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद कंप्लीट होगा, तो किस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन दिया जाता है। मेरे पास यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करके यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जब गिटअप पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन 8.0.3 है तो आपको इसी को डाउनलोड करना है। जब आप इस इंस्टॉलर को इंस्टॉल करते हो तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट बना के रखा है जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप kicad सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हो। स्कीमेटिक एडिट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप कुछ इस तरह से अपना स्कीमेटिक डिजाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा स्कीमेटिक डिजाइन करके रखा है। इसके अलावा इस स्कीमेटिक की मदद से आप यहाँ पे अपना PCB
पीसीबी भी डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा पीसीबी डिजाइन करके रखा है, जिसमें एक 80 टाइनी 85 माइक्रो कंट्रोलर की मदद से एक सिंपल सा बोर्ड डिजाइन, पीसीबी बोर्ड डिजाइन किया है। इस पीसीबी को अगर आपको 3D में देखना है तो इसके लिए आप इस तरह से kicad सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके 3D में देख सकते हो। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट इसमें लगे हैं, और यहाँ पे TST SMD कंपोनेंट को इस तरह से आप हाइड भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल सा पीसीबी है जिसको मैंने यहाँ पे kicad सॉफ्टवेयर की मदद से डिजाइन किया है। ओके, तो इस पूरी सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना खुद का पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस पूरे कोर्स में बहुत ही अच्छे से पीसीबी डिजाइन करने की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे किस तरह से आप यहाँ पे kicad सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पीसीबी डिजाइन कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।